तहसील पुलिस थाना अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को पांच बावली रेलवे लाइन के धोबी नगर स्थित दरगाह के पास एक व्यक्ति संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच करने पर आरोपी शेख शाहरुख उर्फ मुक्का वल्द शेख रिया से 1 किलो 326 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है। ऐसी जानकारी तहसील थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर द्वारा दी गई है। तहसील पुलिस की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति पांच बावली रेलवे लाइन स्थित धोबी नगर के दरगाह के पास संदेहास्पद स्थिति में दिखाई दिया। पुलिस ने पूछताछ करने पर टालमटोल करने लगा। पुलिस ने जांच करने पर आरोपी से 13,326 रुपयों का गांजा जब्त कर आरोपी शेख शाहरुख उर्फ मुक्का वल्द शेख रियाज उम्र 22 साल भानखेड़ा त्रिपट्टिक बौद्ध विहार निवासी को हिरासत में लिया गया है। आमचे अधीनस्थ तपासी पथक एपीआय बागुल एस आई दुबे व त्यांचे स्टाफ पाचपावली रेल्वे लाइन परिसरामध्ये पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना धोबीनगर दममदा दरग्याजवळ एक इसम संशय स्थितीमध्ये मिळून आल्याने त्यांनी दोन पंचांना बोलावून सदर इसमाची झडती घेतली असता सदर इसम हा यापूर्वी अनेक वेळा गांजा विक्री करणारा शेख शाहरुख उर्फ मुक्या वल्द शेख रियाज वय 22 वर्ष राहणार त्रिपुटिक बद्धव्याजवळ भानखेडा हा मिळून आला। पंचा समस्याची झडती घेतली असता त्याच्याजवळ 1 किलो 326 ग्राम गांजा किंमत 13,326 रुपये आणि गांजा विक्रीचे 300 रुपये तसेच एक मोबाईल आणि शेंद्री रंगाची डिओ गाडी MH 31 AZ 3281 ही मिळून आल्याने एकूण 63,626 रुपयाचा मुद्देमाल आरोपी शेख शाहरुख उर्फ मुक्या वल्द शेख रियाज वय 22 वर्ष राहणार भानखेडा याच्याकडून जप्त केला आणि आरोपी विरुद्ध पोलीस स्टेशन तहसील येथे NDPS Act कलम 20 अन्वय गुन्हा नोंद करून आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी से एक दोपहिया वाहन क्रमांक MH 31 AJ 3281 एक मोबाइल फोन ऐसा कुल मिलाकर 63,326 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। ऐसी जानकारी तहसील पुलिस द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN News नागपुर।